वीवो की वी सीरीज हमेशा ही अपने बेहतरीन कैमरास और अतरंगी स्टाइल की वजह से जानी जाती है, और अब वीवो बहुत जल्द V27 सीरीज को भारतीय बाजार में लेके आने वाला है। जी हाँ, इस फोन को लेकर कई सारे लीक्स आ चुके हैं और माना जा रहा है कि ये फोन शायद आपको 2023 के फर्स्ट हाफ में देखने को मिल जाए। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुए वीवो V25 पर दाव लगाया जाए या फिर वीवो V27 जो कि अभी आने वाला है उसके लिए वेट किया जाए। आइए आज के इस वीडियो में हम वीवो V25 का लॉन्ग टर्म रिव्यू देख लेते हैं और जानते हैं कि क्या आज इस स्मार्टफोन पर पैसे खर्चन चाहिए या फिर नहीं। पर उससे पहले आपको बता दूं कि Vivo V25 एक 5G स्मार्टफोन है एंड यू कैन एक्सपेक्ट हाई स्पीड कनेक्टिविटी, सीमलेस वायरलेस HD स्ट्रीमिंग, लैग फ्री ऑनलाइन गेमिंग एंड मच मोर। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू लर्न मोर अबाउट द डिवाइस। अब इस लॉन्ग टर्म रिव्यू की शुरुआत हम सबसे पहले इस फोन के डिजाइन से करते हैं क्योंकि कंपनी ने इसे काफी इंटरेस्टिंग बनाया है, जिस वजह से जब आप इस फोन को देखेंगे तो आप इसकी ओर जरूर आकर्षित होंगे। पर उससे पहले गूगल से एक सवाल पूछ लेते हैं। ओके गूगल, गिरगिट की तरह रंग बदलने का मतलब क्या है? गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरे का अर्थ स्वार्थ के अनुसार बात को बदलना या विचार बदलना। जी हाँ, ये फोन भी गिरगिट की तरह रंग बदलता है। कंफ्यूज्ड? आपको बता दूं कि इस फोन को जब आप धूप में एक्सपोज करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है और जब आप इसे इंडोर बनाते हैं तो आपको एक अलग कलर देखने को मिलता है। एंड दैट्स बिकॉज वीवो हैज यूज्ड कलर चेंजिंग फ्लोराइड AG ग्लास टेक्नोलॉजी दैट परमिट्स द रियर पैनल ऑफ द स्मार्टफोन टू चेंज कलर व्हेन इंटरैक्टिंग विद सनलाइट और यूवी रेस। इसके साथ साथ मैट फिनिश का होने की वजह से फोन पर फिंगरप्रिंट्स के निशान भी नहीं लगते और लॉन्गर रन में ग्लास प्रोटेक्शन की वजह से इसमें हमें स्क्रैचेस भी ना के बराबर देखने को मिले हैं। अब लुक्स नो डाउट काफी शानदार है, लेकिन हमें डिजाइन में कुछ कमियां भी लगी कि अच्छी लुक्स बनाने के लिए कंपनी ने साइड एजेस को फ्लैट तो रखा है, लेकिन जब आप इस फोन को पकड़ते हैं तो लॉन्ग टर्म यूसेज में ये उतना कंफर्टेबल नहीं लगता। इसके साथ साथ इसके साइड एजेस प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन के बने हैं। वहीं फोन में आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी नहीं मिलता। फोन के डिजाइन के साथ साथ फोन का डिस्प्ले भी उसकी लुक्स का एक हिस्सा माना जाता है क्योंकि हमारी सबसे पहले नजर तो उसी पर पड़ती है। तो आपको बता दूं कि डिजाइन की तरह V25 का डिस्प्ले भी आपको जरूर अट्रैक्ट करेगा क्योंकि फोन में दिया है 6.44 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले विद AMOLED टेक्नोलॉजी एंड 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट। इसके साथ साथ फोन में मिलती है 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR10 प्लस का सपोर्ट। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फीचर वाइज ये डिस्प्ले पूरी तरह से लोडेड है जिस वजह से आप इसमें अपने सभी प्रकार के कंटेंट को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। साथ साथ इसका 90Hz रिफ्रेश रेट वेब स्क्रॉलिंग, वीडियो व्यूइंग और गेमिंग को इमर्सिव बना देता है। इतना ही नहीं, अगर आप इस फोन को तेज धूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ भी ये फोन आपका पूरा साथ निभाएगा। इनफैक्ट मेरे यूसेज में भी मुझे इस फोन में धूप में कोई परेशानी फेस नहीं हुई। लेकिन कहते हैं ना कि छोटी सी गलती की वजह से सारी अच्छाइयों पर पानी फिर जाता है। वेल, इसके डिस्प्ले में वो छोटी सी मिस्टेक इसका वाटर ड्रॉप शेप नॉच है। जहां आज आप देख सकते हैं कि बजट स्मार्टफोन्स में भी पंच होल डिस्प्ले मिल रहा है, तो वहीं वीवो ने 25,000 के प्राइस ब्रैकेट में मिलने वाले इस फोन में वाटर ड्रॉप शेप नॉच मुहैया करवाया है। इसके साथ साथ वीडियो देखते समय आपको ऑडियो क्वालिटी की भी थोड़ी सी कमी खलेगी क्योंकि कंपनी ने इस प्राइस रेंज में सिर्फ सिंगल स्पीकर मुहैया करवाया है जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। वीवो की वी सीरीज के स्मार्टफोन को खरीदने का विचार बना रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप वी सीरीज की कैमरा क्वालिटी से जरूर वाकिफ होंगे। वेल, पुराने मॉडल्स की तरह वीवो का ये फोन भी आपको शानदार पिक्चर क्वालिटी मुहैया करवाता है। फोन में है 64MP मेन कैमरा विद f1.79 अपर्चर एंड OIS एंड 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 2MP मैक्रो सेंसर। इसके साथ साथ इसमें आपको 50MP का फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि जहां आजकल के स्मार्टफोन्स में प्राइमरी सेंसर 50MP का होता है तो वहीं वीवो ने इसके फ्रंट कैमरा में 50MP का सेंसर दिया है।
जो कि हमने V23 में भी देखा था। और मेरे यूसेज के दौरान मैंने इस कैमरा को हर लाइटिंग सिचुएशन में ट्राई किया। अब इसकी कैमरा क्वालिटी की बात की जाए तो आपको बता दूं कि Vivo V25 अपनी V सीरीज को जरूर सपोर्ट करता है और आप इन पिक्चर्स में खुद देख सकते हैं कि डेलाइट शॉट में आपको यहाँ पे अच्छे खासे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ अगर जूम करके देखें तो डिटेलिंग में भी यहाँ पे आपको कोई कमी नहीं देखने को मिलती। क्लोजअप शॉट भी अगर आप देखें तो क्लोज नेचुरल कलर्स कैप्चर करने की कोशिश करता है और पोर्ट्रेट्स में भी ये ह्यूमन स्किन टोन को ठीक से डिटेक्ट कर पाता है। हालांकि थोड़ा सा बाल और दाढ़ी को अगर देखा होगा तो डार्क किया है, लेकिन कटआउट की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर आपको कहीं पर भी एज डिटेक्शन की कमी देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ अगर हम हाई रेस शॉट की बात करेंगे तो यहाँ पर V25 जूम करने पर डिटेलिंग को मेंटेन करके रखता है, लेकिन कमी मुझे एक जगह लगी और वो थी वाइड एंगल फोटोग्राफी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर्स काफी फेड हैं और ये लाइट को ठीक से कंट्रोल भी नहीं कर पाता। अगर आप इसको अगेंस्ट द लाइट फोटो खींचेंगे तो वहां पर हो सकता है कि आपको कुछ एरियाज में ओवर एक्सपोजर देखने को मिले। वहीं लो लाइट फोटोग्राफी की बात करेंगे तो रेगुलर फोटो में तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डार्कनेस जरूर देखने को मिल जाती है, लेकिन इसके साइड में नाइट मोड फोटोग्राफी अगर नोटिस करेंगे तो वहां पे आपको अच्छी खासी रोशनी देखने को मिलेगी और ये डिटेलिंग को भी मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसका फ्रंट कैमरा मुझे काफी अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कि 50 मेगापिक्सल कैमरा जो है वो डिटेलिंग वाइज काफी रिच है। इसके साथ साथ कलर साइंस भी आपको इसकी अच्छी लगेगी, कलर्स पूरे एक्यूरेट हैं। वहीं मैंने जब 50 मेगापिक्सल मोड को ऑन करके फोटो खींची तो वहां पे तो बहुत ही शानदार डिटेलिंग देखने को मिली। एक कमी फ्रंट कैमरा मुझे ये लगी और वो ये कि पोर्ट्रेट में ये कुछ एरियाज को ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाता और आप वो इस फोटो में देख ही सकते हैं। वहीं लो लाइट सेल्फीज की बात करेंगे तो इसका आउटपुट मुझे ठीक ठाक लगा, ना ज्यादा अच्छा कह सकते हैं ना ज्यादा खराब कह सकते हैं, इसे एवरेज कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। इंस्टाग्राम में एक मीम बहुत फेमस है जिसमें कहा जाता है इनको क्या ही पता चलेगा, इनको क्या ही पता है। मुझे लगता है कि वीवो ने इस फोन में चिपसेट लगाते समय यही सोचा होगा। वेल जोक्स अपार्ट, वीवो V25 में आपको मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900 चिपसेट, जबकि अगर आप देखेंगे तो V23 जो कि इसका प्रेडिसेसर है उसमें कंपनी ने डायमेंसिटी 920 चिपसेट मुहैया करवा के दिया था। यहां आप देख सकते हैं कि कंपनी ने प्रोसेसर को अपग्रेड करने की बजाय डाउनग्रेड कर दिया है। हालांकि डे टू डे लाइफ में यूसेज के दौरान आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे और आप इसमें COD जैसी हैवी ग्राफिक गेम मैक्सिमम फ्रेम रेट पर खेल पाएंगे और आपको कोई लैगिंग इशू भी देखने को नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग माय यूसेज Vivo V25's परफॉर्मेंस वाज स्टेबल एंड सॉलिड एंड आई डिडंट फेस एनी प्रोमिनेंट लैग्स और एनी मेजर बग्स। प्रोसेसर के साथ साथ अगर हम बैटरी की बात करें तो यहाँ आपको थोड़ा अपग्रेड देखने को जरूर मिल जाता है। फोन में दी गई 4500 mAh की बैटरी। यूजुअली अगर आप इतनी बैटरी वाले फोन्स को देखते हैं तो आप नोटिस किया होगा कि अक्सर वो बैकअप देने में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हमारे यूसेज के दौरान हमें इसमें हैवी यूसेज पर भी फुल डे का बैटरी बैकअप देखने को मिला। वहीं फोन में आपको 44 W की फास्ट चार्जिंग स्पीड मिल जाती है एंड इन आवर टेस्ट इट टुक जस्ट 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम 0 to 61%। अब आप देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस डिसेंट है और आपको इसमें एक अच्छा खासा बैटरी बैकअप भी देखने को मिल जाता है और इसका सारा श्रेय जाता है इसके सॉफ्टवेयर को। द फोन रन्स ऑन एंड्रॉइड 12 एंड हैज फन टच 12 OS ऑन टॉप ऑफ इट व्हिच व्हाइल आर यूसेज प्रूव टू बी अ क्लीन इंटरफेस। वी डिड नॉट फेस एनी नास्टी हिकअप्स इन इट्स लेआउट एंड देयर आर वेरी फ्यू ब्लोटवेयर्स ऑन द OS दिस टाइम। तो दोस्तों इतना सब कुछ देखने के बाद बारी आती है वर्डिक्ट देने की, तो हो सकता है कि शायद आप मेरा वर्डिक्ट सुनकर थोड़ा सा चौंक जाए। जी हाँ, अगर आप Vivo V25 खरीदने का विचार बना रहे हैं तो मैं ऐसे में आपको कहूँगा कि एक बार Vivo V23 का प्राइस देख लें। अगर वो आपको इससे कम कीमत का मिलता है तो मेरे हिसाब से आपको उसे कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि उस फोन में आपको इससे बेटर प्रोसेसर मिल जाता है और साथ साथ उसके फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर भी मिल जाता है। पर हाँ, अगर फोन खरीदने की जल्दी नहीं है और Vivo का V सीरीज का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि अब तक जो लीक्स आए हैं उसके अनुसार माना जा रहा है कि Vivo V27 को कंपनी बहुत ही दमदार प्रोसेसर के साथ लॉन्च करेगी और उसके स्पेक्स भी आपको जरूर पसंद आएंगे। बट एनीवे, कैसे लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और हमेशा की तरह ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।